नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, टैली का फिर से एक नया रिलीज आ चुका है, टैली ईआरपी 9 रिलीज 6.5.4। जी हां दोस्तों, इस नए रिलीज में टैली ने बहुत सारे और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से नए फीचर्स हमें इस नए रिलीज में मिलने वाले हैं और हम अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से अपडेट करेंगे या टैली का सॉफ्टवेयर हम किस तरह से अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे। यदि आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप अपने टैली सॉफ्टवेयर के बॉटम में अपडेट एंड वर्जन सेक्शन में एक मैसेज डिस्प्ले होता हुआ देख रहे होंगे, सीरीज ए रिलीज 6.5.4 अवेलेबल। दोस्तों, इसका मीनिंग है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए तैयार है और आप इसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे नए रिलीज में हमें कौन कौन सी नई फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जिस बिजनेस में टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होता है उन्हें अपना एनुअल रिटर्न GSTR 9 फाइल करना होता है। अब GSTR 9 जो है कि एनुअल रिटर्न है, उसका कंप्यूटेशन रिपोर्ट आप टैली के माध्यम से तैयार कर पाएंगे। पहले ये फीचर हमारे पुराने रिलीज में नहीं था, टैली ने ये महत्वपूर्ण बदलाव इस नए वर्जन में किया है जिसके माध्यम से हम एनुअल कंप्यूटेशन रिपोर्ट तैयार कर GSTR 9 को आसानी से फाइल कर पाएंगे। दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो है कंपोजिशन डीलर के लिए। जैसा कि आपको पता है, GST CMP 08 जो कि कंपोजिशन डीलर के लिए स्टेटमेंट कम चालान होता है, वो भी अब आप टैली के माध्यम से तैयार कर पाएंगे। अगला जो बदलाव आपको नए रिलीज में देखने को मिलेगा वो है ईवे बिल से संबंधित। नए रिलीज में ईवे बिल प्रोसेस में कुछ एनहांसमेंट किए गए हैं। अब आप जब ईवे बिल डिटेल फिल आउट करेंगे तो जिस पार्टी का आपने ईवे बिल बनाते समय यूज किया है, उस पार्टी के लेजर में आपने जो भी उसका रिकॉर्ड डाला है, उसके पिन कोड्स और पहली बार जब आप उसका ईवे बिल जनरेट कर रहे होंगे तो उसमें आपने जो भी डिस्टेंस से संबंधित पैरामीटर्स फिल आउट किए हैं, यदि आप अगली बार उसी पार्टी को लेकर ईवे बिल जनरेट कर रहे हैं तो आपको फिर से सारे पैरामीटर्स नहीं डालने होंगे। टैली ऑटोमेटिकली उन्हें पहले पैरामीटर से रिप्लेस कर देगा और आपको बार बार डेटा एंट्री नहीं करनी होगी। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप वर्जन एंड अपडेट सेक्शन में क्लिक कीजिएगा और यहाँ आपको टैली ERP 9 सीरीज ए रिलीज 6.5.4 की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यदि ये डिटेल आपको दिखाई ना दे तो आप F12 प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर शो ऑल रिलीज ऑप्शन को यस करते हुए एंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको नए रिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। यदि यहीं से आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नया रिलीज सेलेक्ट करना है और F6 बटन प्रेस करना है। देन टैली रिस्टार्ट होने के लिए आपसे पूछेगा, आप उसके लिए यस कीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स के लिए फिर से यस कीजिएगा और कुछ सेकंड्स आपको वेट करना होगा। जब ये टैली सॉफ्टवेयर फिर से रिस्टार्ट होगा तो नया रिलीज अपडेट हो जाएगा। अब आप वर्जन एंड अपडेट सेक्शन में देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब नया रिलीज टैली ERP 9 रिलीज 6.5.4 हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यदि आपके पास एजुकेशनल मोड है तो आप tallysolutions.com/download इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, इस लिंक को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको जो नया रिलीज है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और जब आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको इंस्टॉल नाउ और डाउनलोड फॉर लेटर, ये दोनों बटन यहाँ पर दिखाई देंगे। इंस्टॉल नाउ के माध्यम से आप ऑनलाइन टैली सेटअप को रन करते हुए सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं और डाउनलोड फॉर लेटर का उपयोग करते हुए आप टैली सॉफ्टवेयर का जो सेटअप होता है उसे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने से पहले या अपडेट करने से पहले आप अपने टैली डेटा का बैकअप जरूर ले लीजिएगा। आइए अब देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण बदलाव टैली ने हमें इस नए रिलीज में दिए हैं उन्हें हम किस तरह से यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि GST एनुअल कंपटीशन रिपोर्ट को हम किस तरह से एक्सेस करेंगे। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में खड़ा रहना है, डिस्प्ले में स्टेचुटरी रिपोर्ट्स में आपको जाना है, जहाँ हम GST में जाते हैं और हमको GSTR 1, 2 और 3 भी दिखाई देता है। अब उसी के साथ नीचे की तरफ आपको GST एनुअल कंपटीशन के नाम से अलग से एक नया ऑप्शन और दिखाई देगा। दोस्तों, इसके माध्यम से आप अपने एनुअल रिटर्न को तैयार कर पाएंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि लाइबिलिटीज़ अलग से आपको दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी अलग सेक्शन, HSN SSC समरी का अलग सेक्शन आपको मिल रहा है। यहाँ से आप अपनी ब्रेकअप वैल्यूज़ निकाल पाएंगे, जैसे लाइबिलिटीज़ में आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाइज ऑन विच टैक्स इज पेएबल इंक्लूडिंग एडवांस। आप जब इसमें एंटर करेंगे तो आपको सारा डिटेल यहाँ पर शो होगा, B2C सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, B2B सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग क्रेडिट डेबिट नोट्स। सारा हेड वाइज आपको अलग अलग बाइफर्केशन मिल रहा है जिसके माध्यम से
आपको जो एनुअल डेटा रिटर्न में चाहिए वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह से आउटवर्ड सप्लाइज के बारे में भी सारी हेडिंग वाइज आपको डिटेल यहाँ मिल जाएंगी, जिनके थ्रू आप एनुअल रिटर्न आसानी से फिल आउट कर पाएंगे, रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा। इस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका भी आपको अलग से हेडिंग वाइज डिटेल मिल जाएगा, कितना ITC आपने किस हेड में क्लेम किया है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरह से नीचे आप देखेंगे समरी ऑफ आउटपुट सप्लाइज, और यहाँ पर आपको सारा आउटपुट सप्लाइज की डिटेल आपको मिल जाएंगी। इस तरह से इन्वर्ट के लिए नीचे समरी ऑफ इन्वर्ट सप्लाइज, उसमें भी आपको इन्वर्ट का सारा डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण बदलाव टैली ने किया है, जिससे हमारा एनुअल रिटर्न आसानी से अब तैयार हो सकेगा। एनुअल कंपटीशन रिपोर्ट को सीखने और समझने के लिए मैं अलग से एक पूरा वीडियो तैयार करूँगा, उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा किस हेड में कौन सी एंट्री आ रही है और वो एंट्री हमको कैसे इस हेड में लेकर आनी है। अब सेकंड महत्वपूर्ण बदलाव देख लेते हैं, जो कि कंपोजिशन डीलर से संबंधित है। कंपोजिशन डीलर के लिए जब GST रिटर्न में जाते हैं तो आपको GST के बाद डायरेक्टली GSTR4 दिखाई देता था, लेकिन दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक नया हेड दिखाई दे रहा है रिटर्न के नाम से। इस नए ऑप्शन में जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ आपको GST CMP 08 और GSTR4 अलग से दिखाई देगा। GST CMP 08 आप जब इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारा डिटेल दिखाई दे रहा है। जब आप GST CMP 08 को प्रिंट करने के लिए जाएंगे तो ये एक वर्ड फाइल के रूप में आपके टैली से एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको Ctrl+P प्रेस करना है, और जब आप यस करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे हमारा वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, और यहाँ आपको स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स के नाम से एक पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो ये दूसरा हमारा बदलाव था जो नए रिलीज में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो बदलाव टैली ने किया है ईवे बिल से संबंधित है, आइए उसको भी देख लेते हैं। ईवे बिल वाले ऑप्शन को समझने के लिए मैं आपको एक एंट्री दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने कुछ गुड्स सेल आउट किए हैं नाइस कंप्यूटर को, और यहाँ पर हमने ईवे बिल उसका जनरेट किया है, और उसकी डिटेल में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने डिस्टेंस को यूज़ किया है 750 किलोमीटर्स। और जब इसी पार्टी का हम अगली बार फिर से ईवे बिल जनरेट करेंगे तो ये पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएंगे। मैं एक एंट्री और पोस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। एक छोटा सा बदलाव है पर हमारा काम इससे आसान हो जाता है। फिर से मैंने उसी पार्टी का यूज़ किया है और उसी पार्टी को गुड्स मैं सेल आउट कर रहा हूँ, और यहाँ आप देखेंगे कि ईवे बिल का जब स्क्रीन यहाँ टैली डिस्प्ले करेगा तो उसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे 750 जो डिस्टेंस वाला हेड था उसके अंदर ऑटोमेटिकली 750 वापस से आ चुका है। तो दोस्तों थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा, उसके लिए आपको नए रिलीज में ये फैसिलिटी मिलने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना टैली सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेंगे, और आने वाले वीडियोज़ में हम ये जितने भी चेंजेस हुए हैं उन्हें डिटेल में सीखने वाले हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।